ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग के अस्थायी कर्मचारियों की हड़ताल के बीच राजौरी में धरने पर बैठे एक कर्मचारी की ठंड से मौत हो गई। अपने साथी की मौत से आहत डिलीवेजरों ने प्रदर्शन को और तेज कर दिया है। उन्होंने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। उनकी हड़ताल के चलते पानी की आपूर्ति न होने से जम्मू संभाग के सभी 10 जिलों में पानी की किल्लत हो गई है। वो इससे भी और खफा है कि अब तक राज्य प्रशासन ने उनकी कोई बात नहीं सुनी है। डेली विजर हैं हम 3 दिन से यहाँ स्ट्राइक पर बैठे हैं। यहाँ हमारा एक साथी था, वो हमारे साथ बैठा था। रात को सर्दी पड़ी, उसके सिर में यूं ही 12 वाउचर का मसला इशू हुआ। उसको बोला हमने 12 वाउचर का मसला है, उसको इशू हुआ, यूं ही उसके सिर में दर्द पड़ा। तो उसको हमने 4 बजे हॉस्पिटल ले गए, वहाँ से उन्होंने रेफर कर दिया जम्मू की तरफ। वहाँ रास्ते ही में ये डेथ हो गई उनकी। तो हम दर पदर फिर रहे हैं, 4 दिन से यहाँ बैठे। हमारे पास ना कोई आया है अफसर, ना कोई एक्सीम आया है, ना कोई महकमा का आदमी आया। हम यहाँ भूखे बैठे हैं 4 दिनों से। हमारे पास पैसे नहीं थे, हम फौरन इसको जम्मू ले जाते, हमारे पास कुछ भी नहीं थे। हमारा यही एक ही मुद्दा है, हम गवर्नमेंट से ये जस्टिस पूछना चाहते हैं कि जब हमें लगाया था किस मुद्दे पे लगाया था। तो आज भी हम ये पूछते हैं व्हाट मीनिंग साहब नीड बेस, जबकि हम कैजुअल हैं 750 रुपये हमने पे लिए, 12-12, 14-14 पे लिए हैं। वो बोलते हैं कि 16 से बाद या 10 से बाद के 12 वाउचर लाओ। हम इंसाफ के लिए ये चाहते हैं कि हमारी जगह ये अफसर जो डिस्ट्रिक्ट रजौरी में हमारी एजुकेशन या एडमिनिस्ट्रेशन है, ये हमारी डिपार्टमेंट से छांट भेंट करे। जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने और केंद्र शासित राज्य बनने के बाद दूसरी बार विदेशी राजदूतों का एक डेलीगेशन। वहीं जम्मू कश्मीर में सुबह 3 मंजिला इमारत उस समय ढह गई जब दमकल कर्मी वहां लगी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि गोले पुल्ली स्थित इमारत के भूमि तल पर आरा घर था। इसके ढहने से दमकल विभाग के 5 कर्मी सहित कई लोग मलबे में फंस गए। उन्होंने बताया कि 2 अधिकारियों और 1 नागरिक को मलबे से निकाल लिया गया है और 3 अन्य अधिकारियों को वहां से निकालने की कोशिश फिलहाल जारी है। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सुबह 4:48 पर आग लगने की जानकारी मिली थी और बचाव कार्य के दौरान करीब 5:30 बजे अचानक इमारत ढह गई। अधिकारी ने बताया कि मलबे में किसी अन्य नागरिक के दबे होने की जानकारी फिलहाल नहीं है। बचाव अभियान लगातार जारी है और इस हादसे के मद्देनजर पूरी सावधानी से राहत बचाव कार्य किया जा रहा है।